सोचाऊँ कि जो लोग कभी विधायक बने नहीं ना उनका ये सुझाव बहुत अच्छा लगता होगा लेकिन वो स्वयं बनकर के फिर ये मेरी तर्क को वो कहें ना तब तो समझ में आ जाएगा कि आप कितने स्टेट चेकर का पैसा बचाने के बारे में कितना आपका मन का हौसला बुलंद है तब समझ में आएगा अब यहाँ बने नहीं है ना बाहर रह कर के बादों को मिल रहा है ये कहना तो बहुत आसान है पर यह जीवन ऐसा है राजनीतिक जीवन यहाँ से निकलने के बाद न तो व्यवसाय कर सकता है न दुकान खोल सकता है न मजदूरी पे जा सकता है सुना आपने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया क्या कह रहे हैं कहते हैं कि बेचारे नेता जब विधायक के पद पर नहीं रहेंगे तो फिर खर्चा कैसे चलेगा इसके लिए पेंशन तो मिलनी ही चाहिए कटारिया जी ने यह बात इसलिए कही है क्योंकि अब पूर्व विधायकों की पेंशन पर उन्हें तालाबंदी होने के आसार नजर आने लगे हैं क्योंकि जयपुर के ही रहने वाले क्यासी साल के पत्रकार मिलाप चंद कोर्ट में याचिका देकर पूर्व विधायकों की पेंशन बंद करवाने की अपील की है राजस्थान में 508 पूर्व विधायकों को हर साल 26 करोड़ रुपए पेंशन के रूप में सरकारी खजाने से दिया जाता है पर एक वरिष्ठ पत्रकार जिनका मानना है कि विधायक सरकारी मुलाजिम नहीं होते और इसीलिए उनको सरकार के द्वारा पेंशन नहीं दी जानी चाहिए ने विधायकों के लिए पेंशन सिस्टम को खत्म करने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के सामने याचिका दायर की है मिलाप चंद डांडिया का कहना है कि सिर्फ राजस्थान में ही 508 ऐसे पूर्व विधायक हैं जो हर साल लगभग 26 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की पेंशन उठा रहे हैं इनमें से कई पूर्व विधायक तो ऐसे हैं जो कई बार विधायक रह चुके हैं और उन्हें एक साथ कई पेंशनों का भुगतान किया जाता है मिलापचंद डांडिया से हमारे एसोसिएट एडिटर देव अंकुर वधावन ने मुलाकात की और उनसे बात कर इस पेंशन वाले मामले को पूरी तरह से समझने की कोशिश भी की राजस्थान में हर साल करीबन 26 करोड़ रुपए सरकार पूर्व विधायकों को केवल पेंशन के रूप में दे देती है और इसी को लेकर एक वरिष्ठ पत्रकार मिलाप चंडाण्डिया ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है उनसे बात करेंगे इसके बारे में सर आपकी जो याचिका दायर की है उससे पहले आपने कुछ जानकारी मांगी थी उसमें क्या कुछ निकल के आया आपने आप बता रहे थे कि 500 से ज्यादा विधायक उनके पूर्व कार्यकालों के लिए उनको जो पेंशन मिलती आ रही है और बीस से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो कि सिटिंग विधायक हैं और उनको एक से बार एक से ज्यादा बार की पेंशन मिलती है देखिए यह मामला काफी लंबा चौड़ा है क्योंकि करीब 26 करोड़ रुपया सालाना पूर्व विधायकों को पेंशन के नाम पे दिया जा रहा है मेरा कहना यह है कि पेंशन तो उसको दिया जाता है जिसका किसी ने अपॉइंटमेंट करके अपने यहाँ नौकर रखा हो ये तो इलेक्टेड हैं फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड कि पाँच साल के लिए रहेंगे इनको किस बात की पेंशन दी जा रही है हिसाब लगाया गया तो लगा कि जो आर के तहत जो सूचना प्राप्त हुई हालांकि वो भी अधूरी है लेकिन उस अधूरी सूचना के आधार पर भी 26 करोड़ रुपया सालाना पूर्व विधायकों को पेंशन के रूप में दिया जा रहा है इन पूर्व विधायकों की स्वयं पेंशन के अंदर वो विधायक भी हैं जो अभी भी एम एल ए स्थिति यह है कि जितनी पर... कितने विधायक है, है? जिनको एक बार से ज्यादा विधायक जिन, जिनको मिल रही है वो कम से कम तो सौ होंगे जिनको एक बार से ज्यादा की मिल रही है एक विधायक को तो एक लाख छहत्तर हजार रुपया सालाना पेंशन दी मैम मा, मासिक पेंशन दी जा रही है ऐसे कई लोग हैं जिनको एक लाख रुपए से ज्यादा पेंशन दी जा रही है पचास से ज़्यादा ऐसे हैं जिनको पचास हजार रुपये से ज़्यादा पेंशन दी जा रही है ये इस तरह से दी जा रही है मेरा कहना यह है कि भाई इनको पेंशन किस बात की दी जाती है और पेंशन भी एक बार की नहीं अगर एक आदमी चार बार एम एल रह लिया तो चार बार की पेंशन मिलेगी और पांचवी बार इलेक्ट हो गया तो पांचवी बार की तनख्वाह मिलेगी तो आपने जो पटिशन दायर की है डांडिया साहब उसके ज़रिए आपने क्या मांग उठाई है मैंने ये मांग उठाई कि पेंशन किसी भी रूप से न तो कानूनी रूप से न नैतिक रूप से ये नहीं उचित नहीं है इसे बंद किया जाना चाहिए और इन जितनी दे दी गई ये लोगों उनसे वापस वसूल किया जाना चाहिए ये पेंशन ही सिर्फ इन एम तक ही नहीं है कि एम पूर्व विधायक हो गया अगर एम नहीं रहे तो उनकी पत्नी को मिलती है वो भी नहीं रहे तो उनके बच्चों को मिलती है तो ये शाश्वत हो गया एक तरह के नई जागरें खड़ी हो गई हैं अगर पेंशन बंद की जाती है तो आपके हिसाब से कितना पैसा बचेगा ऑब्वियसली 26 करोड़ रुपए साल ये तो दिख ही रहा है और आप चाहते हैं कि पुराना रिकवर भी हो हां मेरी पिटीशन में तो यही मैंने अर्जी की है कि पुराने में वसूल होना चाहिए पर साहब आपने पहले एक पिटीशन दायर की थी जिसके तहत आपने मांग की थी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको आजीवन घर नौकर चाकर कई अन्य सुविधाएं की जो बात की गई थी वसुंधरा कार्यकाल में वो बंद होना चाहिए पर उसके बावजूद अशोक गहलोत सरकार ने वसुंधरा राजे से सरकारी बंगला तक खाली नहीं करवाया है तो क्या आपको लगता है कि आप सफल हो पाएंगे अपने देखिए वसुंधरा जी आजकल जिस मकान में रह रही हैं ये मकान उनको एज एक्स चीफ मिनिस्टर अलॉट किया गया था और मैंने पिटिशन लगाई थी कि एक्स चीफ मिनिस्टर्स को किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जा सकती वो जब कोर्ट से मंजूर हो गई उसके बाद ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरी बात को माना और उसको ये कहा कि नहीं पूर्व मुख्यमंत्रियों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा सकती है जब ये फैसला हो गया तो राज्य सरकार ने जिस मकान में वसुंधरा जी अभी रह रही हैं और ये पहले एज ए चीफ मिनिस्टर रहती थी उस मकान को सरकारी पुल से हटा के विधानसभा के पुल में कर दिया और ये अब विधानसभा के चला अब विधानसभा ने इनको एज ए एम अलॉट किया हुआ है साफ़ तौर पर मिलापचंद डांडिया एक वरिष्ठ पत्रकार हैं इनकी सोच है कि ये जो राजनीति है उसमें आ, जो साफ गोई है वो होनी चाहिए और ये चाहते हैं कि इसके ऊपर कार्यवाही करते हुए जो विधायक हैं उनकी पेंशन जो है वो पूर्णतः बंद होनी चाहिए कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन